नमस्कार जी बिजनेस में आपका स्वागत है और मैं हूं अमीश देवगुन। आज हम बड़ा एक्सपोजे करने जा रहे हैं। सुना था कि अमीर और गरीब सबके लिए नियम और कानून एक जैसे होते हैं जनाब, लेकिन अक्सर ऐसा भी सुना जाता है कि बड़े लोगों के लिए नियम बदल दिए जाते हैं या फिर बदलवा दिए जाते हैं। और आज हम आपको इसी की एक वानगी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े लोगों के लिए ये नियम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश के प्रमुख बैंकों ने बदले हैं, या यूं कहें सरकार ने बदलवा दिए हैं। आम आदमी बैंक से लोन लेकर ना चुकाए तो यही बैंक उसका जीना मुहाल कर देते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां लाखों करोड़ों के लोन हजम कर जाती हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। आज बिग एक्सपोजे में हम यही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लोन स्कैम हुआ इस देश के अंदर, कौन देगा जवाब? एक लाख करोड़ रुपए, यह रकम इतनी बड़ी है कि सुनने वाला सोचने पड़ जाएगा कि एक के आगे कितनी जीरो लगाए जाएं। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे देश की सुस्त पड़ी इकॉनमी में नई जान फूकी जा सकती है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इतनी मोटी रकम को हमारे देश के बैंकों ने बड़ी बड़ी कंपनियों पर कुर्बान कर दिया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कंपनियां ये रकम दबा कर बैठ गई हैं और बैंकों ने भी अपनी आंखें मूंद ली हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा तो खुद देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक पिछले 13 सालों में बैंकों ने बैड लोन के नाम पर 1,00,000 करोड़ रुपए की रकम अलग अलग कॉरपोरेट हाउसेस के पास छोड़ दी है। हैरानी की बात यह है कि इस रकम में 95% हिस्सा बड़े कर्जों का है। इतना ही नहीं, बैंकों के कुल एनपीए में 50% हिस्सा मध्यम और बड़ी कंपनियों के पास डूबा है। What we should focus on is getting the real asset back on track. And if there are impediments on in the way of doing that, we will look at that and help as much as we can. We've been talking to a number of stakeholders and trying to figure out the best way forward. As I said, we will announce some measures very shortly. We have introduced restructuring, we have introduced technical write-off. That does not give the gross NPA, does not reflect the real credit risk in the thing. And that's why I have to introduce a new ratio to find out what is the real credit risk in the system. सरकार बैंकों को कॉर्पोरेट लोन्स पर सख्ती की हिदायतें तो खूब दे रही है, लेकिन इनका असर होता नहीं दिख रहा है। It's the large borrower. If you define a large borrower as 1 crore and more, that's where the bulk of the NPAs are coming. So we have told them that you have to keep a very close watch on these large accounts, and we have to recover the amount. सरकार गरीब किसानों के लिए 2008 में 60,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना लेकर आई, तो देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने कहा कि इससे तो देश की इकॉनमी बिगड़ जाएगी, देश के ग्रोथ पर असर पड़ेगा। लेकिन बड़ी कंपनियां जब रकम बचा जाती हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, और वैसे भी बैंक अपने घर से तो कंपनियों को कर्ज देते नहीं है। ये लोन बैंकों के पास जमा हुई रकम के जरिए हुई कमाई में से दिया जाता है, जिसमें बड़ा हिस्सा आम लोगों के डिपॉजिट का होता है। ऐसे में कंपनियों के इस रवैये पर बैंकों का आंख मूंद लेना कितना जायज है? सौरभ श्रीवास्तव, जी मीडिया। 1,00,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं, लेकिन किसी के कारों पर जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन इस बड़े खुलासे पर चर्चा से पहले इंडस्ट्री और बैंकर्स का रिएक्शन आपको दिखाना जरूरी है। देखिए क्या कहना है इंडस्ट्री और बैंकर्स का। I think they will make up once the economy picks up. Even last time round, when the economy was not doing well, there were a lot of some corporate defaults. But after the economy picked up, many banks wrote in
again after they had written off something. So I think it will pick up. Economy ka halat agar dekhenge, jo hum RBI se bhi baat kiya hai is baare mein ki jaise infrastructure projects ke liye kafi iska ek direct impact hai, aur jo projects jo complete kiya kar companies jo kar chuke hain for the government, uska payment agar nahi aaye hain, to usme hum RBI ko bhi bole hai ki thoda to look at it in a little different manner. The economy is on a downturn. What happens is when you don't see much of the credit growth as it is, the asset quality always suffers. The economy is underperforming for such an elongated period. What happens is the stress builds up continuously. The expected cash flows do not come, expected realizations do not come, the cost overrun takes place. बड़ी अजीब बात है, आम लोगों से लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट्स रखने वाले बैंक्स कॉर्पोरेट्स को छूट देने के लगातार मूड में है। तर्क दिया जा रहा है कि इंडस्ट्री में स्लोडाउन होता है तो लोन रिकवरी पर तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन अब हम आपको इस पूरी कहानी का एक और पहलू दिखाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, कई कंपनियों का कर्ज उनके मार्केट कैप से भी ज्यादा है, और इसमें भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ने तो मोटी सैलरी लेने का के मामले में भी रिकॉर्ड बना दिया है। आप खुद ही देख लीजिए, JSPL की मार्केट कैप जो है वो 22,309 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन कंपनी पर करीब 23,650 करोड़ का कर्ज है। कुमार मंगलम बिरला साहब की कंपनी हिंडालको का मार्केट कैप 23,780 करोड़ है, कंपनी पर जो कर्ज है वो करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए का है। ये कुछ जेके लक्ष्मी की मार्केट कैप 805 करोड़ है और कुल कर्ज जो है वो 1340 करोड़ के आसपास का है। ये आप देख सकते हैं मार्केट कैप से ज्यादा उनका कर्ज है, ये हमने आपको साफ दिखाया। आप और मैं अगर लोन नहीं अदा करते तो बैंक घर तक आ जाते हैं, लेकिन इनकी बारी, बैंक कहते हैं ठीक है हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। और इस बड़े खुलासे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान है। मेरे साथ सुनील अलग है हमारे स्टूडियोज में जो कि बिजनेस कंसल्टेंट है। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा है, सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट। मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यु है इस चर्चा में जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ सलमान सोज है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही प्रदीप चौधरी है, पूर्व चेयरमैन SBI के, देश के सबसे बड़े बैंक के वो चेयरमैन है। लेकिन फ्लोर आपसे देवेंद्र शर्मा ओपन करता हूं। देश के अंदर जब किसानों का कर्ज माफी होती है तो बड़े लोग शोर मचाते हैं, लेकिन इस कर्ज माफी पर क्या ये लोग कहते हैं कि स्लो डाउन की वजह से जो है दिक्कतें ज्यादा बढ़ी है। मैं बताना चाहता हूं, मैं आदि गोदरेज साहब को और साथ ही जो कुछ बैंकर्स बोल रहे थे स्लो डाउन होता है तो समस्या होती है, चंद्रजीत बनर्जी को ये बताना चाहता हूं, शायद उनके आंकड़े उनके पास ठीक नहीं है। आई विल जस्ट टेल देम कि क्या है। मार्च 2008 और मार्च 2007 के अंदर तब भी वो उतना ही था, और जो रिकवरी परसेंटेज ऑफ राइट ऑफ था वो मार्च 2007 तक 21.3% था और मार्च 2008 में 26.6% था। ये फैक्ट है और ये टेबल है उसका पूरा। किस चीज की हम बात कर रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं और क्या हम कह रहे हैं, सोचना होगा इस बात को। चलिए देवेंद्र शर्मा, रिएक्ट टू दिस नाउ, जी बिजनेस के एक्सपोजर पर। पहले तो अमीश जी, आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि एक आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो बहुत लोग कतराते हैं जिस बात पे चर्चा करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप दिस इशू। सेकेंडली, जो आपने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी गरीब आदमी का कर्जा माफ़ होता है या आम आदमी का कर्जा माफ़ होता है तो यही कॉरपोरेट जगत टेलीविजन पर हर चैनल पर छाया रहेगा कई दिन कि साहब ये देश के साथ धोखा हो रहा है, देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब कॉरपोरेट के घोटाले होते हैं इन द सेंस कि जो आपने बताया कि 1,00,000 करोड़ रुपए उन्होंने राइट ऑफ किया है और कहीं चर्चा नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपका ही चैनल है जो इस बात पे इसे फोकस कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि दो तरीके की नीतियां हैं हमारे देश में, एक तो कॉर्पोरेट घराने के लिए हैं और एक बाकी देश के लिए हैं। और वो बाकी देश के लिए जो है, आपने ठीक कहा कि घर तक पहुंचते हैं, आपकी कार भी ले ली जाती है, आपके अगर हाउसिंग लोन में आप कहीं डिफॉल्ट करते हैं आप देखिए क्या होता है। लेकिन इनके डिफॉल्ट में यह कहा जाता है कि साहब इकॉनमी स्लो डाउन है। इकॉनमी कहां से स्लो डाउन है अमीश जी, 30,00,000 करोड़ रुपए का इनको पिछले 9 साल में टैक्स एग्जेम्पशन मिले हैं अंडर रेवेन्यू फोरगॉन, उसके बाद भी 30,00,000 करोड़, उसके बाद भी इनका 1,00,000 करोड़ रुपया जो है ये राइट ऑफ किया जाता है बैंकों द्वारा। जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी वो भी नहीं की इन्होंने, जो इनके एक्सपोर्ट बढ़ने थे वो भी नहीं हुआ, तो ये कहां गया पैसा? ये जो आपने बताया कि ये सैलरीज दिखाई हैं आपकी वहीं जाता है, ये इनके बॉटम लाइन जो स्ट्रेंथन करने का अप्रोच है, ये सारा जो इकोनॉमिक मॉडल हमारा है वो यही है। दैट इज व्हाई दे देश के अंदर देश के आम आदमी को जगजोड़ा जाता है, परेशान किया जाता है।
होता है, लेकिन इन कॉर्पोरेट्स के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। ये लोन नहीं देते, इनको बैंक आंखें मूंद लेते हैं। सरकारें बोलती जरूर है लेकिन करती कुछ नहीं है। और ये सिलसिला 2001 में जहां था उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया 2013 तक। कैप्टन अभिमन्यू, स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी आंखें मूंद लेती हैं जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है, उनको भी फंडिंग चाहिए? डू यू थिंक दोहरा रवैया है, देश के आम आदमी अगर लोन नहीं देता उसे झकझोड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, लेकिन ये लोग अपने चौपर्स में घूमते हैं, अपने एरोप्लेन्स में घूमते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, कोई सवाल नहीं खड़ा करता? सीधा जवाब, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर, कैप्टन अभिमन्यु। अमीश जी, बहुत अच्छा आपने आज विषय लिया है, और देवेंद्र शर्मा जी ने जो चिंता व्यक्त की है कि देश के आम आदमी हो, किसान हो, छोटा व्यापारी हो, वो आत्महत्या करने को विवश है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जिनकी स्वयं इन लोन को चुकाने की मादा है, वो अपनी कुछ कंपनियों के माध्यम से इस देश के खजाने का पैसा अपनी जेब में लेकर के जाते हैं, और लाख करोड़ रुपए का जिस प्रकार से एक डिफॉल्ट में कहूँगा, एक डेलिंक्वेंसी में कहूँगा, जो देखने को मिली है, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। और इससे साथ में दो इसके पहलू हैं। देखिए, जो कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो आपने पूरा आज विषय रखा है, इसका मुख्य मुद्दा था कि जो ऐसे वायबल यूनिट्स जो वर्तमान क्राइसिस से अपनी वायबिलिटी बना करके ले जा सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो BIFR के माध्यम से या डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में उसके अंदर जा करके वो फंस करके और कंपनी बंद ना हो जाए, ताकि जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका पैसा और वो जो एंटरप्रेन्योर है उनको वो अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग इट अ सक्सेस वो उनको मिले। पर दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि इस पूरी कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के मॉडल का एक प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। आज इतने बड़े वैल्यूएशन के ऊपर जो लोन है, जो डेट कंपोनेंट है, वो इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बूबी आती है कि कहां किस प्रकार से ये लोन का प्रोजेक्ट के समय से हो रहा है। 2001 से हो रहा है, एनडीए के शासनकाल की हम बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की तब सरकार थी। चलिए मैं उसके ऊपर लौट के आता हूं वापस, लेकिन 2001 से जहां पर 6,440 करोड़ था, 2013 तक ये 32,218 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ा सवाल ये है। और जब हम कहते हैं मार्केट्स में बहुत अच्छा था, सेंसेक्स 21,000 था, ऑल टाइम हाई पे था, तब भी क्या करा? तब भी इन कंपनियों ने पैसे नहीं वापस करे, कोई सवाल उस पर नहीं पूछता, ये झूठ बोलते और निकल जाते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आज जी बिजनेस पर, जी मीडिया पे हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या कर रही है इस मामले पे? देश का आम आदमी अगर पैसे नहीं देता तो उससे कई सवाल होते हैं, उसको एम्बेरस किया जाता है, लेकिन इन लोगों को कैसे एम्बेरस किया जाएगा? बड़ा सवाल है। सुनील लग, यूर अ बिजनेस कंसल्टेंट, रिस्पॉन्ड। यू नो, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, देखो जो आपने कंपनियों का डिटेल दिया है, अगर लोन राइट ऑफ किया जा रहा है तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन करना जरूरी है कि भाई क्यों राइट ऑफ किया जा रहा है। जी, और अगर वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने लोन दिया है आपको, हम आपको रिस्ट्रक्चर करके आप मुझे वापस देंगे, अगर आप जैसे कोई 5 साल में देने वाला था आप कहेंगे 8 साल में दे दो, आपका मैं इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दूंगा, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कैप्टन ने अभी बताया कि देखो कंपनीज हैं जो केपेबल हैं लोन देने के लिए, 1-2 साल वो तकलीफ में आ गए हैं, उनका डेट रिस्ट्रक्चर करिए। बट अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो, और वो कंपनी फिर भी चल रही है, फिर वो उसके ऊपर तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई बैंक्स राइट ऑफ क्यों कर रही है लोन्स को। जी सलमान सोस, क्या बचाव है आपका? 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आप बड़े बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे आप लोग। स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। लोगों के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, डीजल की कीमतें बढ़ा देते हैं, इकोनॉमी जो है वो सब्सिडी बोझ नहीं उठा सकती, लेकिन इन कॉर्पोरेट्स के लिए तमाम बोझ आप उठा रहे हैं। जी देखिए अमीश जी, पहली बात तो ये कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो इसलिए भी है क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा मौका मिलता है, क्योंकि अब मैं भी काफ़ी देर से कांग्रेस के लिए बोलता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मौका मिलता है कि मैं पीछे देखता कि क्या हुआ, कैसे कैसे हमेशा जब भी कोई कांग्रेस ने बड़ी कोई जैसे फार्म लोन वेवर लोन वेवर हुआ, जिन दिनों हजारों फार्मर्स जो थे, किसान खुदकुशी कर रहे थे, उन दिनों जब वेवर हुआ तो कितनी उसको कितना क्रिटिसाइज किया गया। जब फूड सिक्योरिटी बिल आई
तो बहुत बहुत टीवी शोज पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया, हालांकि कोई ज्यादा तूफान के पैसे खर्च नहीं हो रहे थे तो, लेकिन जब गरीबों की बात होती है तो तब बहुत, मेरे ख्याल में बिजनेस जो बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो टीवी के थ्रू वगैरह वगैरह फाइनेंस करके फ्री जवाब देने लगे। आप बात सुन रहे मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जो बिजनेस हाउसेस हैं जब ये फाइनेंस करते हैं इतने बड़े बड़े टीवी शोज में, कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता है जब गरीबों की कोई बात करें। लेकिन जब जो आपने ये बताया, जो एक्चुअली आरबीआई ने ये रिपोर्ट जो इशू की है जिसमें इन्होंने 1,00,000 करोड़ की बात की है, इसमें अब जब सामने एक बात आ रही है, जब ये बात सामने आ रही है तो अब आपको खुद ही पता लगेगा कि कॉर्पोरेट्स कितनी सब्सिडी एक हिसाब से लेते हैं, कॉर्पोरेट्स को कितने ऐश है। जी ठीक है, मैं गरीबों की बात नहीं कर सकते। सलमान सोस, आई नो आप कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के खिलाफ बोल रहे हैं और मुझे लगता है आपको अपनी पार्टी में कहीं टेंशन हो जाए, लेकिन 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 जो बड़ा सवाल है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इसके अलावा दो बात, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सलमान सोस, आपकी सरकार है 10 साल से, तो आपके पास तो पूरा चांस था, आपका किसी ने हाथ पकड़ा तो नहीं था, यू कैन डू एवरीथिंग टू डू दैट। आप सही बात, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, आप सही बात ये है कि जो आरबीआई के गवर्नर ने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीजन, एक तो आपको बैंकिंग साइड देखना है, वो वाला बैलेंस शीट साइड, उस साइड का बैलेंस शीट देखना है, दूसरे साइड से आपको कॉर्पोरेट्स का बैलेंस शीट देखना है। जो आपने देखा वो 50% जो ये इनके एनपीएस हैं वो बेसिकली मीडियम और लार्ज कॉर्पोरेट्स के हैं। तो जो बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स ने और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये बहुत प्रॉब्लम है कि ये टेक्निकल राइट ऑफ कर रहे हैं। टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब है कि वो एक हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इनको नहीं लगा रहे हैं, जो बैड लोन्स हैं उनको वहां से हटा रहे हैं, और दूसरे साइड से वो रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां से इन्होंने ऐसा किया। उससे क्या होता है, रिकवरी होने नहीं, वही बड़ा सवाल है कि यू सेड योर पॉइंट प्रदीप चौधरी, एग्जैक्टली जी, यू सेड योर पॉइंट, लेकिन रिकवरी होने नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। ओके सुनील जी, वन मेंशन पॉइंट, प्रदीप चौधरी, आई एम कमिंग टू यू। सलमान जी, मैं सिर्फ एक चीज करेक्ट करूंगा, कोई भी नहीं, जब फार्म वेवर हुआ था नोबडी क्वेश्चन्ड इट, क्वेश्चनिंग केम व्हेन यू वांटेड टू गिव फ्री मनी एंड वी सेड वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम। वेवर पे आई डोंट थिंक एनीवन क्वेश्चन्ड कि आप जो खुदकुशी कर रहा है उसका लोन आप वेव क्यों कर रहे हो। चलिए चलिए, लोन वेवर पे करेक्शन, हम फार्मर लोन वेवर पे डिबेट नहीं कर रहे, वी आर डिबेटिंग ऑन जो करंट सिचुएशन है, जो लोन स्कैम है। ओके प्रदीप चौधरी, ओके आई विल कम बैक टू यू सलमान सोस, कैप्टन अभिमन्यु, न्यू लेकिन मेरे साथ बड़े सीनियर बैंकर हैं प्रदीप चौधरी, फॉर्मर चेयरमैन एसबीआई के, देश के सबसे बड़े बैंक के। प्रदीप चौधरी, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट, क्या आपको लगता है बैंक्स आल्सो वर्क अंडर प्रेशर? आप लोगों को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपोर्ट करना पड़ता है, डू यू थिंक यू आल्सो वर्क अंडर प्रेशर? नहीं, नो, आई थिंक आप लोग जो है सेंसेशनलाइज कर रहे हैं और हाफ ट्रुथ्स बोल रहे हैं। जी देखिए, जो डेट वेवर है फार्मर्स का, और उसी तरह का वेवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी समय समय पर दिया जाता है, बैंक अपने आप ही देते हैं जहां लगता है कि ये लोन ये चुकता नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं उसका विवाद भी नहीं करता हूं और वो ये होता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी नहीं कह रहा, ये तो आरबीआई कह रहा है, केसी चक्रवर्ती ने ऑन रिकॉर्ड बोला है इट इज अ बिग इशू, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। देखिए ऐसा है कि आरबीआई को, देखिए कोई चीज फर्स्ट टाइम सम चैनल हैज कम आउट विद फैक्ट्स, जहां पर या तो आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। जी जी, आप बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए आरबीआई से कोई चीज पहले मुझे ये कहने दीजिए, टेक्निकल राइट ऑफ क्या होता? अब मैंने 100 करोड़ का लोन दिया, वो फैक्ट्री बंद हो गई, ये हो गया, तो उसकी रिकवरी की प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो 100 करोड़ का लोन अगर मैं एनपीए दिखाता रहूं, तो जब हमारे बैलेंस शीट को विदेशी निवेशक या दूसरे लेंडर देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं अपने बुक्स में, पर कंपनी को नहीं छोड़ते हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी, इवन 1992 में 20 साल पहले जो कंपनियां बंद हो गई हैं उनकी वसूली भी आज हो रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़ी बड़ी कंपनियों को बैंकों ने फोर्स किया कि आप कंपनी बेचिए, मैनेजमेंट निकले, दूसरे मैनेजमेंट आए। और ये केवल प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, पब्लिक सेक्टर की भी इतनी कंपनियां हैं जिनकी हालत खराब हो गई, जो वो लोन चुकता नहीं कर पाए और बैंकों ने राइट ऑफ। ओके देवेंद्र शर्मा, और इस कंपनियों को बचाने के लिए BIFR की प्रक्रिया है, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि कंपनी अगर बंद हो जाए, बैंक जाके कल ताला लगा दे, तो वहां पे 2,000, 5,000, 10,000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आप अहमदाबाद जाइए,
आम आदमी का खून पसीने का पैसा जाया होता है, सवाल वहां पे खड़ा होता है। यू सेड योर पॉइंट, वी लिसन टू यू। देवेंद्र शर्मा रिएक्ट, देवेंद्र शर्मा देखिए, पहले मैं एक क्लेरिफिकेशन कर दूं। पहले कहा गया था कि जब फार्मर की लोन वेवर हुआ था तब कोई सवाल नहीं पूछे गए थे, मुझे याद है वो दिन, क्योंकि उस दिन बजट में हुई अनाउंसमेंट हुई थी और मैंने कई चैनल्स पे उसका जवाब दिया था। हर चैनल पे ये मुझे पूछा गया था कि पैसा कहां से आएगा। ये तो मैं बता रहा हूं। दूसरी बात एक मिनट अमीश जी, दूसरी बात यह कि भाई रिजर्व बैंक खुद कह रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो वो भी कह रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग एक कवर अप है और ये जो है इस तरीके से ये कंपनियां जो है ये गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ ए क्राइम दैट दे आर कमिटिंग। तो ये मुझे लगता है कि वो भी देखना पड़ेगा कि रिस्ट्रक्चरिंग इज द राइट वे फॉरवर्ड और नॉट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कंपनी को क्यों नहीं वही लॉ जो मेरे पर लागू होते हैं, वही लॉ क्यों नहीं लागू होते? वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। और कई बार ऐसा होता है कि जनरल मैनेजर रिटायर हो रहा है, जो बैंक का कोई सीनियर मैनेजर है वो रिटायर हो रहा है, उसके बाद उसी कंपनी में वो जॉब भी कर लेता है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। वहीं पर ही प्रोसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, वहीं ना कहीं स्कैम होता है, इसीलिए हम इसको स्कैम कह रहे हैं। ओके, कैपिटल वैल्यू, यू कैन नॉट मेक एलिगेशंस लाइक दिस, यू शुड मेक गिव ए प्रूफ कि फला आदमी रिटायर हुआ और फलानी। ओके ओके, कैप्टन अभिमन्यु रिस्पॉन्ड। उसके लिए रेगुलेशंस होती है। देखिए आज ओके प्रदीप चौधरी और कम टू यू कैप्टन अभिमन्यु। पूर्ण बात ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि एक तो जो जितना भी कॉर्पोरेट का जो डिफॉल्ट हुआ है, जो डेलिंक्वेंट है, उसको चेक करे कि कौन बेईमानी कर रहा है। अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन साथ में सारा बिजनेस बेईमान नहीं हो सकता है। आज वास्तविकता यह है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की क्लियरेंसी समय पर न देने के कारण, सरकार की भ्रष्टाचार के कारण, सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस के कारण, सरकार के हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण, सरकार के बिजनेस एनवायरमेंट में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की कमी के कारण इंडस्ट्री को वास्तव में नुकसान भी हो रहा है। तो इस दोनों के अंदर अंतर करके देखना पड़ेगा कि सरकार ये जिम्मेदारी ले कि या तो जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें कोई बेईमानी ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, दूसरा जिसको आवश्यकता है, जिसकी वायबिलिटी जो है इंडस्ट्री की, उसको बना करके रखना भी सरकार का काम है। ओके कैप्टन अभिमन्यु, जो टेक्निकल अभिमन्यु आपको लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं रिस्पांसिबल है, सलमान सोच योर चांस नॉट टू रिस्पोंड टू कैप्टन अभिमन्यु, वो नुकसान सलमान सोच जवाब सरकार है जिसकी क्लियरेंसी समय। ये जरा ये जो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा ये बेसिकली ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही सरकार है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वो वर्ल्ड मार्केट में अब वर्ल्ड बीटर्स बन चुके हैं। तो ये तो आप अपनी सियासत कहते रहेंगे लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखिए जो आपके एसबीआई के चेयरमैन साहब कह रहे थे, पता नहीं चेयरमैन है प्रदीप जी, वो बात ये है कि फॉर्मर चेयरमैन, देखिए बात ये है कि आरबीआई ने खुद ही कहा है कि आप टेक्निकल राइट ऑफ जो है उसको वैसे नहीं कर सकते क्योंकि वो बैंक के बैलेंस शीट को गलत दिखाता है। और सिंगापुर में रिसेंटली कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आई जिसकी वजह से अब हमारे बैंक जो जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है बाहर, उनको बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। तो हमें ये कहना है कि देखिए इसमें कोई शक नहीं, इसमें मैं जैसे अभिमन्यु जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ बाकी के साथ भी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जेन्युइन रीजन होते हैं और उसमें वो दे सकते हैं, लेकिन जहां पर कोई रीजन नहीं है कि भाई आप वापस ना करें पैसे और फिर अपने सीईओ को आप करोड़ों रुपए खिलाएं तो वो तो गलत बात है। और उसके भाई, भाई, भाई बात है। ओके थैंक्स फॉर वोटिंग द कॉज, उसके लिए भी आई एम थैंकफुल, लेकिन बट यू शुड से आपको अपने वित्त मंत्री को बोलना चाहिए जो लाइन आप ले रहे हो, उसके वित्त मंत्री भी लाइन लेना, वो भी कुछ करे। नहीं नहीं अमित जी, देश की अर्थव्यवस्था में सीएडी बढ़ रहा है, आम आदमी सोना ना खरीदे, वो तमाम तर्क देते रहते हैं लेकिन वो कुछ करे भी तो सही इस पे। नहीं नहीं कर रहे हैं ना आप, बड़ा प्रीच, यू प्रीचिंग अ लॉट टुडे, बट अब ये कहिए तो सही उनको। नहीं नहीं अरे आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो रिकवरी, पहली बात तो यह है कि हमको देखना है कि कहां पर बेईमानी से पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, और आरबीआई जी तो मानते ही नहीं है कोई घोटाले है जिससे वो पैसा। ओके कैप्टन अभिमन्यु, वांट टू से सलमान सोस, मेरे को इक्वल चांस दे रहा है कैप्टन अभिमन्यु, क्विकली 10 सेकंड ओनली सर। अमीश जी आप आप वित्त मंत्री जी से क्या अपेक्षा करते हैं? वो तो मानते ही नहीं है कि इस देश के अंदर 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ है। उन्होंने तो कहा था कि जीरो लॉस है,
कोई 2G स्पेक्ट्रम के अंदर भी कोई घोटाला नहीं हुआ, आप इन सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? अच्छा, आप करते हैं सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिसाइज हो रहा है इशू। मैं देख लेता हूं। देवेंद्र शर्मा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, देवेंद्र शर्मा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और प्रदीप चौधरी आई कम बैक टू यू, आई प्रॉमिस आफ्टर द ब्रेक आई कम बैक टू यू, और आपके सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। लेकिन बड़ा खुलासा, लोन स्कैम है ये, क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जब कॉर्पोरेट्स के लोन की बात होती है तो सब कहते हैं ओके इट इज फाइन, लेकिन जब आपकी बात होती है तो आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं। आज हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपके सुर में, और इस देश की सरकार से, इस देश की सियासत से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब लोन आम आदमी लेता है तो उसकी धरपकड़ होती है, लेकिन जब कॉर्पोरेट लेता है तो कह दिया जाता है स्लो डाउन हो रहा है, क्या मजाक है ये? स्कैम बिग एक्सपोज है, और आज हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में कई लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस चर्चा में अब किशोर गांधी जुड़ गए हैं, चीफ क्रेडिट ऑफिसर इंडिया रेटिंग्स के। मेरे साथ कैप्टन अभिमन्यू है बीजेपी से, मेरे साथ सलमान सोज है कांग्रेस से, सुनील अलग है बिजनेस कंसल्टेंट, प्रदीप चौधरी आपको शिकायत थी आपको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन सर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और वेरी क्विकली एक सवाल का मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं। जब आपको एक पहले जो बात अधूरी है जी, देखिए रिजर्व बैंक, और आप ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक कहता है कि उसको जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भी बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हो या जो भी बड़ा राइट ऑफ हो, नहीं नहीं जानकारी नहीं, बड़ी समस्या की बात है वो बोलता है। देखिए सुनिए, जानकारी नहीं भी कहता, बड़ी समस्या की बात बोलता है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, हां जानकारी, और वो उसको हमेशा कभी भी रोक सकता है बीच में। दूसरा, रिजर्व बैंक की हमेशा ऑडिट होती है हर वर्ष की, और ऑडिट होती है, और अगर रिजर्व बैंक कहे कि इसमें आपने गलत छोड़ दिया पैसे को, तो उसके बाद उस पर दोबारा रिकवरी होती है, और इसके अंदर आप बैंकों की अगर बैलेंस शीट, लेकिन लेकिन ओके एडवांसेस अंडर कलेक्शन। जी सर, आपने अपनी बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चौधरी साहब, आप बड़े वरिष्ठ बैंकर रहे, क्या जब मेरे जैसा आदमी, अगर मैं 1 लाख का 5 लाख का लोन नहीं अदा करना पड़ता तो आप मेरी तो गर्दन पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे अगर कोई कॉर्पोरेट लोन नहीं अदा करता, हमारे पास कहीं है जीएसपीएल एक कंपनी है, जेएसडब्ल्यू है, हिंडालको है, जेके लक्ष्मी है, पेनिनसुला लैंड है, टोरेंट पावर है, और कईयों के तो डूब गए हैं, कर सुजलॉन एनर्जी, किंगफिशर, विंसम डायमंड्स, इलेक्ट्रोलक्स स्टील, उनके केसेस में आप करते क्या कर रहे हैं? नो, सुजलॉन एनर्जी रनिंग कंपनी है, कंपनी के रिजल्ट्स फाइल हो रहे हैं, लॉस में जरूर है। दूसरी, देखिए जहां तक इसका सवाल है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कहीं, लेकिन कंपनी का प्रमोटर तो एफ्लुएंट है, वो जहाजों में घूम रहा है, वो बड़े घरों में रह रहा है, वो सारी तमाम लाइफ की जो सहूलतें उसको एंजॉय कर रहा है। देखिए वो चीज मैं नहीं कह सकता, उसके अगर कहीं और एसेट्स हो और इनकम टैक्स उसको देखे, लेकिन कई बार तो क्रेडिट हिस्ट्री को इग्नोर किया जाता है, एक कंपनी जो लोन नहीं, जो लोन अदा नहीं कर पा रही उसको भी वापस लोन दे दिया जाता है, सवाल ये है प्रदीप जी। नहीं नहीं, वो देखिए आपको हमेशा इस तरह वाइल्ड एलिगेशन से पहले निश्चित रूप से और ठीक तरह से उसका नाम बताना, बात इसमें कहना चाहूंगा, बंबई सारा शहर जो रीडेवलप हो रहा है, ये सारे डूबे हुए टेक्सटाइल मिल्स की जमीन पर हो रहा है, ये मिल सारे खत्म हो गए, इन मालिकों से उसकी मालिक मिल ले लिए गए, उसको एनटीसी में लाया गया, फिर जमीन बेची गई, तो ऐसा नहीं होता है। पर इसके अंदर जो ह्यूमन सफरिंग है उसको भी देखिए, ये मिल में देखकर आप टीवी का एक प्रोग्राम बनाए कि उसको छोड़ दिया गया, कि हजारों वर्कर बेरोजगार हो गए, आज अहमदाबाद के अंदर जाकर देखिए, दिल्ली क्लॉथ मिल को, लेकिन वर्कर बेरोजगार हो गए, वर्कर बेरोजगार हो गए, लेकिन मालिक का क्या हुआ? जो बड़े एक बात, मालिक बड़े, प्रदीप चौधरी पे वन टू वन डिबेट आपके साथ, आई कैन डू फॉर हाफ एन आवर, वो एंड नहीं होगी। ओके सुनील अलग, मैं काफी देर से आपको नहीं लेके आया, सुनील अलग वेरी क्विक पॉइंट, मैं आई विल मेक अप माय पॉइंट, इट इज वेरी सिंपल, जब लोन स्मॉल होते हैं तो दे रिमेन एज लोन्स एंड यू कैन रिकवर इट, व्हेन यू गिव अ ह्यूज लोन देन यू एक्चुअली बिकम अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। नाउ हैविंग, आप जब एक बार पार्टनर हो जाएं विद सच अ बिग लोन, तो फिर आप कैसे, आप फिर तो यू हैव टू ट्रीट द ओनर आल्सो एज अ पार्टनर, वी आर द स्मॉलर वंस आर लोन गिवर्स, आपको तो लोन मैं वापस लूंगा, अब मैं आपके साथ पकड़ के लूंगा, अब मैं पार्टनर हो गया आपका, तो आई विल कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी, आई विल गिव यू रिस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज़ नाउ आई एम योर पार्टनर, ओके, नाउ द लोन इज बिग, सो यू हैव टू सी एज वन वेरी क्विकली वन लास्ट पॉइंट, इफ द कंपनी इज केपेबल ऑफ पेइंग बैक द मनी एंड इज गोइंग थ्रू सम ट्रबल, यू शुड रिस्ट्रक्चर, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट, बट व्हेन यू वांट टू गिव अवे एंड वेव अ लोन ऑफ,
टारगेट करते हैं बिल्कुल प्रदीप चौधरी एक अलग प्रोग्राम खड़ा हो जाएगा दो आंकड़े हमको बहुत ध्यान से देखने चाहिए. एक तो ये है कि बैंक्स में जिसको नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बोलते हैं वो फाइनेंशियल ईयर 12 से 13 में करीब करीब 1% बढ़ गए और उसके कारण मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आते हैं. दूसरी बात यह भी है कि जहां एनपीए लेवल 4% से थोड़ा ऊपर है जी, वहीं रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स का लेवल जो है वो उससे करीब करीब दुगना है. चलिए यू सेड योर पॉइंट वेरी क्विकली मैं वाइंड अप करूंगा. लास्ट कमेंट फ्रॉम यू कैप्टन अभिमन्यु एंड सलमान सोस. कैप्टन अभिमन्यु लास्ट कमेंट 10 सेकंड्स ओनली प्लीज स्टिक टू टाइम लिमिट्स. अमित जी मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुछ सालों पहले अमेरिका के अंदर एक जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, क्रेडिट क्राइसिस हुआ था. उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने सभी बैंकर्स को और बड़ी कंपनियों के चेयरमैन को वाशिंगटन बुलाया था. सब अपने अपने प्राइवेट जेट्स में वहां आए थे और एक समाचार आया था कि ओबामा ने सबसे पहला जो काम ये किया था कि आप अपनी कंपनियों को डिफॉल्ट कर रहे हैं, देश का पैसा आप लूट रहे हैं जी, जी. और सारे लोन्स को आप डिफॉल्ट करते जा रहे हैं और आप स्वयं अयाशी कर रहे हैं. हवाई जहाज Your government is supporting them. हमें अमेरिका के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है. यहाँ पर हिंदुस्तान में जो RBI गवर्नर ने अब प्रोसेस शुरू किया है उससे उन्होंने बैंक्स को नोटिस पे डाल दिया कि आगे को आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सीधे टेक्निकल राइट ऑफ्स करेंगे, अपने बैलेंस शीट को अच्छा दिखाएंगे और इस ये बैंकिंग सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल देंगे. थैंक यू सो मच कैप्टन अभिमन्यु सलमान सो सुनील अलग और आपका किशोर गांधी बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए प्रदीप चौधरी अभी भी कुछ बोल रहे हैं. चलिए प्रदीप चौधरी ये एंडलेस डिबेट है जिसको हम काफी देर तक कर सकते हैं लेकिन ये थी आज की बिग एक्सपोज है जहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की कि लोन देने के जरिए भी एक स्कैम हो रहा है इस देश के अंदर जो अभी तो नहीं सामने आ रहा लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के सामने भी आ जाएगा. अब देखते रहिए जी बिजनेस. हम आपसे जुड़े ऐसे तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे. कीप वॉचिंग जी बिजनेस देश का नंबर वन बिजनेस चैनल. नमस्कार.